सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल का आइकन को दबाइए मेरे YouTube की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है। बैकग्राउंड चेंज करना बहुत ही आसान है, इसके लिए दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहली एप्लीकेशन का नाम है इरेजर, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, और दूसरी है पिक्सआर्ट। आपको एडिटिंग करनी है तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये मेरे यूट्यूब की कुछ वीडियो पड़ी हैं जो आप देख सकते हो, एडिटिंग की हैं, गेमिंग की हैं और ट्रिक की हैं, और एम एक्स प्लेयर की हिडन सेटिंग, गेम कैसे डाउनलोड करें, सीवी एडिटिंग, और ये लोगो कैसे बनाते हैं, सारी वीडियो हैं। तो पहले सबसे पहले हम इरेजर को डाउनलोड कर लेते हैं। अपने प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर डालिए इरेजर, और ये पहली इसका लोगो देख लीजिए कैसा है, मैंने इंस्टॉल कर रखी है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिर ओपन, फिर लोड है फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, वहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए। शर्त यह है कि उसका बैकग्राउंड जो हो वो एक ही कलर का हो या दो कलर का हो, जितना डार्क रहेगा उतना अच्छा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जैसे आपने ये फ़ोटो ले लिया है, यहाँ पर है एक्सट्रैक्ट ऑटो मैनुअल रिपेयर जूम, तो मैनुअल से ही होता है, जैसे ये हो रहा है मैनुअल से, ये हमें काटना पड़ता है। तो हम ऑटो पर कर देंगे तो हमें एक क्लिक में हमारा पूरा बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। देखिए एक क्लिक में पूरा बैकग्राउंड इरेज, और ये दूसरा कलर है, यहाँ क्लिक कीजिए और ये इरेज हो जाएगा पूरा, और जो बाकी रह गया वहाँ पर क्लिक करते जाइए और ये चेंज पूरा साफ होता जाएगा। और जब बाकी का बचा उसे मैनुअल पर कर लीजिए, और आपको जैसे कुछ ज़्यादा ही इरेज हो गया है तो उसे रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि वापस जैसा हाथ कट गया है, मतलब ये हाथ इरेज हो गया है ज़्यादा, तो उसे रिपेयर करके इसे वापस ला सकते हैं। और ये एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, यहाँ पर अगर एक कलर का बैकग्राउंड होगा तो एक क्लिक में ही चेंज हो जाएगा। जैसे ये रिपेयर करना है तो जैसे ये मिटा दो हल्के हल्के, और फिर अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, इससे आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाए तो यहाँ पर डन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर 1, 2, 3 हैं पोजीशन, जो आपको जो अच्छे लगे, मेरे हिसाब से 3 पे या 2 पे कर लीजिए, और इसे फिनिश कर लीजिए, और यहाँ पर आपकी हो गई सेव। फिर अपना पिक्सआर्ट खोलिए, पिक्सआर्ट में जाके प्लस के आइकन पे दबाइए, और यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ को आपको एक पिक्चर लगानी हो अपनी फ़ोटो, जो आपने बैकग्राउंड चेंज किया है। तो यहाँ पर जाएंगे ऐड फ़ोटो में, ऐड फ़ोटो में अपनी कोई भी पिक्चर क्लिक कर लीजिए जो आपने रेस की थी, और ये क्लिक कर ली, और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ये मैंने सेट कर ली है, और फिर कर दो डन यहाँ पर राइट के। और ये देखिए हमारा कितनी आसानी से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया, यहाँ पर गैलरी में जाके सेव कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।